रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में बीते दिनों एक 58 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में व्यापारियों सहित आम लोगों ने ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन के लिए किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे मऊगंज एडिशनल SP विवेक लाल के द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया गया कि SIT की टीम गठित कर दी गई है और SIT टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले से हमारे बड़े भाई लोग सभी लोग हमारे सहयोग में यहाँ आए हैं। कैलाशपुर गाँव के जो निवासी है, कैलाशपुर में सुखवरिया देवी के साथ एक घटना घटित हुई है। सुखवरिया देवी आज हमारे बीच नहीं है। उनके साथ जो घटना घटित हुई है, जिसने घटना कारित की है, उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हैं। पुलिस पे अगर न्याय की होती तो आज ये हनुमाना के नगर वासियों को धरना देने की जरूरत क्या पड़ती, क्योंकि पुलिस न्याय नहीं की है और हम सब न्याय के अपेक्षा में हैं, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति जनसेवा की कसम खाई। उसके संबंध में उन्होंने SIT से जांच की मांग रखी, इसके संबंध में SIT गठित कर दी गई और टीम अपना SIT टीम अब अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन ले रही है।